नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं एक पर्टिकुलर सबवूफर बॉक्स को लेके और एक DIY सबवूफर बॉक्स या फिर एक बेस ट्यूब को लेके कि क्या आपके लिए बेटर होगा, कि आपको एक बना बनाया ट्यून इंक्लूजर लेना चाहिए या फिर आप एक DIY बॉक्स की तरफ जा सकते हैं या फिर ये कुछ इस टाइप से बेस ट्यूब बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके एक ढंग के साउंड बॉक्स की। लोग बाग ने मुझे काफी ज्यादा कमेंट किया, हमारे इधर MDF नहीं मिलता है, HDMR नहीं मिलता है, ओनली प्लाईवुड अवेलेबल है, तो हम क्या करें, कैसे बॉक्स बनाए, क्या बनाए। तो देखिए भाई, लिमिटेशन कोई नहीं है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर भी बॉक्स बना रखा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको ट्यून करना आपके हाथ में। अगर आप जब तक उसको सही तरीके से ट्यून नहीं करेंगे, कोई भी इंक्लोजर अच्छा नहीं बजेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपका साउंड सिस्टम अच्छा क्वालिटी नहीं दे रहा है, बॉक्स अच्छा नहीं बज रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वैसे उसका एयर फ्लो जो है वो प्रॉपर है ही नहीं। जितना आपका स्पीकर बॉक्स या फिर स्पीकर ड्राइवर का एयर फ्लो होना चाहिए, उतना है ही नहीं। हवा या तो बॉक्स के अंदर ही घूम रही है, ठीक है, या फिर उसका पंच प्रॉपर है ही नहीं, या फिर पोर्ट जो है वो सही से बनाए नहीं। बैंड पास है तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। बैंड पास अगर आप सही से कभी पैरामीटर थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे कर लेते हो, बैंड पास कभी अच्छी आवाज नहीं देने वाला है। ये रियलिटी है। लोग बाग दिखाते हैं हमने बैंड पास बनाया, अच्छा बनाया, 4th ऑर्डर बनाया, 6th ऑर्डर बनाया, जब तक उसका ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तब तक बैंड पास कभी अच्छा नहीं बजता। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पोर्टेड बॉक्स, क्योंकि पोर्टेड बॉक्स में थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पे एक अच्छी साउंड क्वालिटी निकल के आ जाती है और आपको जैसा आइडिया चाहिए वैसी आवाज निकल के आ जाती है। यहाँ पे जो आप बोल रहे थे ना बेस प्रो का सबवूफर का, मुझे साउंड टेस्ट दीजिए, साउंड टेस्ट दीजिए, तो हाँ, आज की वीडियो के अंदर आपको साउंड टेस्ट दिया जाएगा। कंपेयर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक 6 इंच की आपकी बेस ट्यूब है, ये 8 इंच की बेस ट्यूब है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। जो ट्यूब की गोलाई है ना, ये केवल 8 इंच का सराउंड है। जो ट्यूब की जो गोलाई है ये केवल 8 इंच, ठीक है, इस ट्यूब की जो गोलाई है यहाँ पे 10 इंच है। मैं चाहता था इसी के ऊपर यहाँ पे 10 इंच का स्पीकर कस सकता हूँ या फिर 10 इंच का एक सबवूफर कस सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, उसके ऊपर भी सीधा 8 इंच का एक सबवूफर कसा जा सकता है, लेकिन बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि बात करते हैं अभी ये जो बॉक्स है ये बहुत ज्यादा कम है, आप एक 8 इंच का अगर सबवूफर बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम 30 लीटर का एयर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इतना दिख तो नहीं रहा आपको, बिल्कुल है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छा बज रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी पोर्ट की जो गोलाई है वो बढ़ाई है मैंने, उसकी डेप्थ है उसको कम की है, तब जाके जो बेस ट्यूब है ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दे रही है जिसी आनी चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा, सबसे बड़ा रीजन है, लोग बाग बोलते ना कि हमारी कार के अंदर हम ऐसा क्या लगाए कि हमारी आवाज एकदम दमदार आने लग जाए, ठीक है, हमारी कार का जो साउंड अच्छा नहीं आता है तो क्या सुधार करें। सबसे बढ़िया चीज मैं बताता हूँ भाई साहब, आप उसके अंदर साउंड ड्राइवर्स अपग्रेड कीजिए, कैसे लेने, कौन से लेने, कहाँ से खरीदने, ठीक है, एक एक चीज तो मैं समझाने से रहा आपको। आपको हमेशा ये देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेस प्रो का सबवूफर लिया है, ठीक है, 1300 रुपए के आसपास का सबवूफर है बेस प्रो का है, और ये 8 इंच की मैंने एक ट्यूब बना रखी है। अगर आपके पास ये सब पाइप अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे बनाओगे ट्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, आपको मैंने 30 लीटर का बताया ऐसा ही, आप कोई भी पोर्टेड इंक्लोजर बना सकते हैं, 8 इंच का साइज लेके बना सकते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप उनको डिजाइन भी कर सकते हैं, आपकी कार के स्पेस के अकॉर्डिंग आप उस बॉक्स को प्रॉपर ट्यून भी कर सकते हैं। इतना अगर आपसे नहीं होता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, 8 इंच का कोई भी बॉक्स लेना है आपको, उसके अंदर आपको क्या लंबाई रखनी, क्या चौड़ाई रखनी वो भी बता, 8 इंच का अगर कोई भी बॉक्स है आपको सिंपल से उसकी जो हाइट है लगभग 19 से 22 इंच के आसपास आपको रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, 19 से 22 इंच के बीच में आप हाइट रख सकते हैं। जो आपके बॉक्स की डेप्थ है वो कम से कम 11 से 12 इंच होनी चाहिए, तब जाके जो उसका बेसिकली जो गूंज है, जो भी आवाज है, ठीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी है वो पकड़ कर पाएगी। अगर आपने उसकी डेप्थ कम कर दी या फिर हाइट कम कर दी तो स्पीकर के अंदर जो एयर फ्लो है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, तो जो आवाज है वो अच्छी नहीं आने वाली। बात करें जो पोर्ट रहेगा, पोर्ट आपको कम से कम 3 से 3.5 इंच की गोलाई रखनी है, कम से कम। अगर आपको एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसकी जो डेप्थ है वो आपको कम से कम 5 इंच रखनी है, 5, 5.5, 6 भी कर सकते हैं। अगर आप 6 इंच डेप्थ करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी गोलाई है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये सब चीजें आप जब बैठ के बनाने लगोगे तब आपको आइडिया लगेगा, ऐसे समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये सब दिमाग खराब हो रहा है आपका कि भाई क्या बता रहा है तू, हटा बीमारी, कुछ ढंग का बता दे डायरेक्ट, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक्स दे रखे हैं, सारी अच्छी बेस्ट ट्यूब है, परचेस कर सकते हो, एम्पलीफायर मैंने देख रखे हैं, परचेस कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली कार ऑडियो पे ही डेडिकेटेड है, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, लोग बाग के दिमाग में ये आता है कि यार कार अपग्रेड करनी है, कार का ऑडियो अपग्रेड करना है तो 10-15-20 हज़ार रुपये खर्चा होगा, ऑब्वियसली होगा, 60 हज़ार तक का भी हो सकता है, अगर आप खर्चा कर रहे हो, सामने वाला करवाए जा रहा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कम से कम खर्चे के अंदर बेटर आउटपुट चाहिए तो आपको एग्जैक्टली नॉलेज ये होना चाहिए कि भाई मुझे क्या चीज लेनी है और वो क्या काम करती है, इतना आपको पता होना ही चाहिए। सामने वाला बोल रहा है इस कंपनी का क्रॉस ओवर लगा दिया, इस कंपनी का ये सबवूफर लगा दिया, इस कंपनी का ये मिड लगा दिया, इस कंपनी का
और आपको पता ही नहीं है भाई ये क्या लगा रहा है, बैठे बैठे देख रहे हो अच्छा ये 2000 का हो गया, ये 4000 का हो गया, ऐसे तो हो गए भाई साहब आपके खर्चे पूरे। आपको कम से कम बेसिकली ये नॉलेज होना चाहिए। तो एक ऑडियो अपग्रेड में चैनल्स का बहुत नाम आता है, एम्पलीफायर चैनल्स का बहुत नाम आता है, 4 चैनल और 2 चैनल और मोनो, ये जब सबसे ज्यादा नाम यही चलता है। मोनो एम्पलीफायर सिंपली एक ही आउटपुट रहता है जिसके अंदर लेफ्ट और राइट का सेपरेशन नहीं होता है, केवल सिंपल एक ऑडियो आउटपुट होता है। मोनो एम्पलीफायर लो पास फिल्टर के साथ में आपको ओनली बेस भी दे सकता है और विदाउट लो पास में आपको ओनली ऑडियो भी दे सकता है। मोनो एम्पलीफायर के ऊपर आप सीरीज कनेक्शन करके 2 स्पीकर चला सकते हैं, लेकिन वो एक ही टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी देंगे, उनके अंदर ऑडियो का कोई सेपरेशन नहीं होगा, लेफ्ट और राइट का सेपरेशन नहीं होगा। ये होता है मोनो। स्टीरियो के अंदर आपका जो बोलते ना 2 चैनल एम्पलीफायर, उसके अंदर आपके 2 चैनल होंगे, 2 को आप 4 भी कर सकते हैं अगर आपका एम्पलीफायर का वोल्टेज अच्छा है तो। और 2 चैनल होंगे वो आपके स्टीरियो चैनल रहेंगे, तो आप लेफ्ट के अंदर 2 लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2, और 2 राइट कर सकते हैं, राइट 1 राइट 2। ठीक है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं सीरीज पैरेलल करके, आप जैसा आप चाहिए कर सकते हैं, लेकिन वो आपका स्टीरियो चैनल रहेगा तो लेफ्ट की फ्रीक्वेंसी अलग प्ले होगी, राइट की फ्रीक्वेंसी अलग प्ले होगी। आपका हो गया स्टीरियो 2 चैनल एम्पलीफायर। 4 चैनल क्या होता है, 4 चैनल के अंदर आपके पास 4 पर्टिकुलर सेपरेट चैनल होते हैं जिनके ऊपर आप 4 के जगह 8 भी स्पीकर चला सकते हैं, 1 के ऊपर 2 भी चला सकते हैं अगर आपका एम्पलीफायर इतना हैवी वोल्टेज सपोर्ट करता है तो। पर्टिकुलर आपको 4 चैनल मिल रहा है तो ये किसके लिए होता है, आपकी कार के अंदर जो 4 गेट होते हैं, फ्रंट में 2 गेट है, लेफ्ट राइट जो कि ड्राइवर सीट होगी और उसके लेफ्ट वाली सीट होगी, रियर में जो सीट है उनके लिए, तो 4 के लिए 4 स्पीकर लगते हैं। ये हो गए आपके 4 चैनल एम्पलीफायर के 4 स्पीकर के यूज, बेसिकली यही यूज है। लो के लिए क्या होता है, तो लो के लिए बेसिकली एक सबवूफर एम्प यूज होता है जो कि बेसिकली लो पास फिल्टर से अटैच रहता है और वो मोस्टली मोनो एम्पलीफायर ही होता है। जितने भी वोल्टेज का आप चाहे ले सकते हैं, जितने ज्यादा वोल्टेज का लेंगे आपका सबवूफर उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और बेसिकली जो 10-15-20 हजार रुपए खर्चा कराने वाले लोग, आपको 300 से 350 वोल्ट तक का एम्पलीफायर रिकमेंड करते हैं और उतना ही प्राइस का आपको सबवूफर रिकमेंड करते हैं। अब 350 वोल्ट RMS और पीक पावर के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर 350 वोल्ट रियल RMS है तो वो कम से कम 2200 पीक पावर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब 350 वोल्ट RMS है तो वो 350 ही है, भाई साहब 350 उसका रेटेड पावर है और पीक पावर उसका 2000 वोल्ट के आसपास होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये बेस प्रो का सबवूफर है, 140 वोल्ट RMS का सबवूफर है और इसका पीक पावर है 1100 वोट पीक पावर है इसका। ये आपका छोटा सा सबवूफर है, इसके कोई डिटेल मेंशन नहीं है, लेकिन 60 वोल्ट का सबवूफर है, सिंपल सबवूफर है 60 वोट का। इसका पीक जाएगा लगभग 200-300 वोट के आसपास, 300 वोट तक भी ये प्ले करेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो हालत है ना वो खराब हो जाएगी और ये उस फ्रीक्वेंसी तक बच जाएगा, तो उसको अपन पीक करके डिनोट करते हैं कि भाई साहब ये एक पीक फ्रीक्वेंसी है। मुझे उम्मीद है आपको हर चीज अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल बनाए जो सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।